Hello everyone, I'm your very own mentor Sachin Antil. Welcome you all to the world of biology with Academy of Biology. So guys, previously in Animal Kingdom we have discussed what are the major basis for the classification of chordates and non-chordates. कि जो chordates और non-chordates आपके organisms थे उनको divide करने के लिए classification का basis क्या था, वो सब हम discuss कर चुके हैं. तो आज उसी को आगे continue करते हुए हम करने वाले हैं next phylum, that is Hemichordata. तो शुरू करते हैं हेमीकोर्डेट से. हेमीकोर्डेट्स, जैसा कि आपको फाइलम के नाम से ही पता चल रहा है, हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कोर्डेट्स हेयर फॉर. कोर्डेट्स हमने कल उन ऑर्गेनिजम्स को बोला था जिनमें नोटोकोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो हेयर वी कैन राइट हाफ नोटोकोर्ड. नोटोकोर्ड तो जो आपके हेमीकोर्डेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी तरह से कोर्डेट नहीं है, यानी कि उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कोर्डेट से रिलेट करते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके नॉन कोर्डेट से रिलेट करते हैं. तो इसके बारे में हम एक चीज लिख सकते हैं, इट इज अ फाइलम दैट कनेक्ट्स chordates and non-chordates. तो ये आपका एक ऐसा फाइलम है जो आपके chordates और non-chordates को एक दूसरे से जोड़ता है. अगर इस फाइलम की हिस्ट्री की बात करी जाए तो इनिशियली द हेमीकोर्डेट्स वर प्लेस्ड इन अ सब फाइलम अंडर द chordates. शुरुआत में तो जो आपके हेमीकोर्डेट्स है उनको एक सब फाइलम में रखा गया था जो कि आपका कोर्डेट्स में मौजूद था. बट लेटर उसके बाद कुछ और स्टडीज हुई जिसमें आपके हेमीकोर्डेट्स को फिर बाद में नॉन कोर्डेट्स के अंदर रख दिया गया. अगर इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, इट कंटेन्स वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स. इसमें जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स है. दैट अगर उनकी बात की जाए हैबिटेट इनका कैसा है, एक्सक्लूसिवली मेराइन. देखो एक्सक्लूसिवली मेराइन यहां पे आया, तो अगर पिछले जो इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम उनको देखें तो हमारे पास दो ऐसे और फाइलम थे जो एक्सक्लूसिवली मेराइन थे. उसमें आपका एक तो था टीनोफोरा व्हाट एवर वी कैन से एंड इकाइनोडर्म्स. तो अब तक हमारे पास तीन ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है. अगर बात की जाए जो इसके ऑर्गेनिजम्स है, The organisms can be present in solitary conditions as well as in colonies. तो जो आपके इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं, these can be present in solitary as well as colonies. Solitary here means जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अकेले भी present हो सकते, अकेले भी रहते हैं, या फिर वो colonies में एक से ज्यादा के साथ वो रहते हैं. तो ये उनके habitat के बारे में हो गया. अगर बात की जाए इनमें ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड इनमें सिमेट्री कौन सी होगी, इनमें सिमेट्री होगी आपकी बाइलेटरल विद बाइलेटरल सिमेट्री. तो ये आपका इस फाइलम का ब्रीफ हो गया. इसमें जो ऑर्गेनिज्म हम अच्छे से स्टडी करेंगे वो है आपका बेलेनोग्लोसस, जिसको आप एक और नाम से जानते होंगे, दैट इज एकोर्न वर्म, या फिर दूसरा इसका तीसरा भी एक नाम होता है इसका, दैट इज टंग वर्म. टंग वर्म हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके बॉडी का एक पार्ट होता है प्रोबोसिस, उसकी रिजेम्बलेंस आपके टंग से थोड़ी थोड़ी होती है. तो सबसे पहले आपका बेलेनोग्लोसस का हम स्ट्रक्चर देख लेते, उसमें क्या क्या होता है.
अगर बात की जाए जो आपकी बेलेनोग्लोसिस की, बेलेनोग्लोसिस, इसकी अगर बॉडी की बात की जाए, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, देन सेकेंड कोलर, एंड द थर्ड वन इज ट्रंक. तो जो आपका बेलेनोग्लोसिस की बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक. एंड जो आपका प्रोबोसिस रीजन होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको जब डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा. अभी सिर्फ ब्रीफली समझ लीजिए. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये आपका एक्सटेंशन है माउथ का, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माउथ. और जो आपका माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है आपके कोलर में. तो स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार. सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी जो कि है आपका प्रोबोसिस. देन प्रोबोसिस के बाद यहां पे छोटा सा कनेक्टिव स्ट्रोक प्रेजेंट होता है. देन उसके बाद आपका आता है कोलर, ये हो गया आपका कोलर सेकेंड पार्ट. देन इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो है आपका ये हो गया आपका ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होता है. हैबिटेट में यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन यू शेप्ड बरोज, यू शेप्ड बरोज. जरूरी नहीं है यू शेप्ड ही हो, ये एलोंगेटेड और वी कैन से मोर प्रिसाइजली स्ट्रेट भी हो सकते हैं. देखो जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया, ये आपके यू शेप्ड बरोज में मिलते हैं. ये जरूरी नहीं है कि यू शेप्ड ही हो, दीज कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो. तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें होता है. थोड़ा सा इसमें और एक दो चीजें ड्रॉ कर ली आपकी, वो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से कुछ. This is something like that. जो आपका ये ट्रंक वाला रीजन होता है, यहां पे कुछ इस तरह से स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं. एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ में यहां पे इस तरह से पोर्स भी होते हैं. और जो ये वाला आपका पार्ट है, यहां पे आपकी प्रेजेंट होती है एनस. तो देखो जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे या वो बेसिस देखे थे जिनके बेसिस पे हमने कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट को डिफरेंशिएट किया था. एक बार उन्हीं को रिकैप करते हैं. फाइव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स को हमने किस बेस पे डिफरेंशिएट करा था, उसमें फर्स्ट था आपका मान लीजिए नर्व कॉर्ड, सेकंड फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, देन थर्ड था आपका नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, देन हार्ट, एंड इन लास्ट पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल. देखो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके हेमी कोर्डेट वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको इनिशियली कोर्डेट्स के अंदर रखा गया, बट बाद में उनको
इन नॉन कोडेट से हटा के कोडेट्स में देखो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके हैवी कोडेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको इनिशियली कोडेट्स के अंदर रखा गया, देन बाद में कुछ स्टडीज हुई जिनके बेसिस पे इनको कोडेट्स से निकाल के दोबारा से आपके हैवी कोडेट्स में रख दिया गया। तो वो जो हैवी कोडेट्स में रखा गया उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो आपके हैवी कोडेट्स है उनमें जो फीचर्स होते हैं वो हैवी कोडेट्स के फीचर आपके नॉन कोडेट से ज्यादा रिजेंबल करते हैं रेदर देन दैट ऑफ कोडेट्स। मान लीजिए हमने कुछ 5 ऐसे फीचर देखे, 6 ऐसे फीचर देखे जिनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते थे, तो उन 5 फीचर्स में से 3 फीचर्स तो आपके ऐसे थे जो नॉन कोडेट से मैच करते थे हैवी कोडेट्स के, और 2 फीचर ऐसे थे हैवी कोडेट्स वाले जो इनको कोडेट के साथ कनेक्टिंग शो करते थे। तो वो हम देखते एक बार। सबसे पहले आता है नर्व कोड। देखो नर्व कोड की कंडीशन इनमें किस तरह की थी, जो आपके इनवर्टिब्रेट वाले फाइलम थे उनमें जो आपकी नर्व कोड थी इस तरह से डबल नर्व कोड प्रेजेंट होती थी, बट आपके हैमी कोडेट में क्या हुआ, कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, जो ये वाली आपकी नर्व कोड है ये आपकी वेंट्रल साइड में आ गई और जो ये वाली नर्व कोड है आपकी साइड से आपके बैक साइड यानी कि डोर्सल साइड में चली गई। तो ये कंडीशन इनमें होगी। अगर बात की जाए नर्व कोड की, फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द नर्व कोड, तो इनमें नर्व कोड कैसी थी आपके हैवी कोडेट्स में, नर्व कोड इनमें एक तो वेंट्रल नर्व कोड थी और एक डोर्सल नर्व कोड थी, वेंट्रल और डोर्सल दोनों तरह की नर्व कोड प्रेजेंट थी, बट खास बात क्या है जो आपकी वेंट्रल और डोर्सल दोनों की दोनों नर्व कोड होलो थी, वेंट्रल होलो नर्व कोड, होलो नर्व कोड एंड डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड। देखो अगर डोर्सल होलो नर्व कोड की बात की जाए तो ये वाला आपका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो इनकी रिजेंबलेंस शो करता है कोर्डेट्स के साथ, ठीक है। फिर सेकंड फीचर आपका आता है फाइनेंशियल गिल स्लिट्स, फाइनेंशियल गिल स्लिट्स, फाइनेंशियल गिल स्लिट्स जैसा कि आपको डायग्राम में ही विजिबल होगा, ये कुछ इस तरह से जो स्लिट्स लाइक जो इनमें प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं ये आपके फाइनेंशियल गिल स्लिट्स हैं, यानी कि इनमें क्या था फाइनेंशियल गिल स्लिट्स क्या थे, प्रेजेंट थे। तो जो ये वाला कैरेक्टर है इनका ये भी इनकी रिजेंबलेंस से शो करता है कोर्डेट्स के साथ, एंड दीज आर योर पोर्स, ये आपके रेस्पिरेशन के सपोर्ट करने के लिए कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं फाइनेंशियल गिल स्लिट्स के आसपास। फिर जो थर्ड चीज आती है सबसे मेजर और वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है आपका नोटोकोड, अगर नोटोकोड की बात करी जाए इनिशियली इट वॉज थॉट दैट द नोटोकोड इज प्रेजेंट इन हैमी कोडेट, शुरुआत में ये माना गया था कि जो आपके हैमी कोडेट्स हैं उनमें नोटोकोड है, बट बाद में कुछ और स्टडीज हुई तो साइंटिस्ट ने रिवील किया कि वो कोई नोटोकोड नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि जिस चीज को हमने शुरुआत में नोटोकोड माना था वो ट्रू नोटोकोड नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन है एलिमेंट्री कैनाल की। तो मान लीजिए ये है इनका माउथ, यहां पे ये माउथ प्रेजेंट आपके बेलेनोग्लोसिस, दिस इज माउथ, और इस माउथ को ही अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो इस स्ट्रक्चर को लोगों ने मान लिया था कि स्टार्टिंग में कि ये नोटोकोड है, पर बाद में स्टडीज हुई अच्छे से इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जो ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है ये नोटोकोड नहीं, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड, स्टोमोकोड या फिर इसको बोला गया प्रोबोसिस स्ट्रोक, प्रोबोसिस स्ट्रोक। शुरुआत में प्रोबोसिस स्टोक या फिर स्टोमोकोड को ही नोटोकोड मान लिया गया था,
पर बाद में जब स्टडीज हुई तो पता चला कि जो आपका स्टोमो कोड या फिर जो प्रोबोसिस स्टाक है ये कोई नोटोकोड नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सिर्फ आपके एलिमेंट्री कैनाल के एक एक्सटेंशन है। फिर जो आपका ये स्टोमो कोड होता है इसके आसपास कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इन ब्लड वेसल्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं ग्लोमेरुलस। The blood vessels are called as glomerulus. Glomerulus. और जो आपका ये स्टोमोकोड और ब्लड वेसल है, अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये कलेक्टिवली आपका एक, हम इस पे या तो बोल सकते हैं जो आपको प्रोबोसिस है या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं, ये आपका हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ये आपका किस चीज को सपोर्ट करता है एक्सक्रीशन। The proboscis stalk or the stomachord in combination with blood vessels or we can say the glomerulus functions in the process of excretion, ये आपका excretion में help करता है। ये काफी important feature है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर बात की जाए इनमें notochord की, notochord में क्या होती है absent। फिर जो next feature आता है वो है आपका postanal tail। Fourth is the पोस्ट एनल टेल। देखो कल वाली वीडियो में मैंने आपको पोस्ट एनल टेल के बारे में समझाया था। पोस्ट एनल टेल मैंने क्या बताया था, मान लीजिए ये आपके एम्ब्रियो की एनस थी, उसके बियॉन्ड जो एनस के बियॉन्ड जो इस तरह से ये इलोंगेशन है, इस पार्ट को हमने बोला था पोस्ट एनल टेल। अगर बात की जाए आपके हेमिकोडेट में बेलेनोग्लोसिस में, तो ये आपकी एनस है, एनस के बियॉन्ड इनमें कोई भी एक्सटेंशन प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्सटेंशन नहीं है एनस के बियॉन्ड तो इनमें टेल भी प्रेजेंट नहीं, तो पोस्ट एनल टेल इनमें क्या है एब्सेंट। देन लास्ट फीचर आता है आपका प्रेजेंस ऑफ हार्ट। हार्ट की बात की जाए तो क्या है, देखो आपके जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनमें आपका हार्ट कैसा था, आपका जो हार्ट था वो प्रेजेंट होता था आपकी डोर्सल साइड पे, इनमें भी जो हार्ट है वो प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे, डोर्सल है ट्यूबुलर है, और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखो जो आपके फर्स्ट दो फीचर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो इनकी रिजेम्बलेंस से शो करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, और जो ये वाले आपके तीन फीचर्स हैं ये आपके ऐसे फीचर्स हैं जो इनकी रिजेम्बलेंस से शो करते हैं नॉन कॉर्डेट्स के साथ। अगर कंपेरिजन किया जाए तो ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो इनको नॉन कॉर्डेट्स जैसा बताते हैं, तो इसी वजह से इनको हेमिकोर्डेट्स को नॉन कोर्डेट्स के अंदर अलग फाइलम बना के रख दिया गया। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा सबका सब। फिर इनके जो हेमिकोर्डेट्स वाला फाइलम है, इनके बेसिक अगर फंक्शंस की बात की जाए, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हम देख चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं फाइरेंजियल गैस्केट्स। तो इनके पास प्रेजेंट है फाइरेंजियल गिल स्लिट्स इनके पास प्रेजेंट है। देन सेकंड फंक्शन आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका कैसा होता है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका यू शेप्ड होता है या फिर वो स्ट्रेट भी हो सकता है जैसे इनकी बॉडी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर आता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड।
देन उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है इनका एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो चुका है, वो कैसा है अपना ओपन टाइप। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता हुआ है आपका फिफ्थ इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की इनकी बात की जाए तो रिप्रोडक्शन जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे दीज आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ये आपके यूनिसेक्सुअल है। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए इनमें कैसी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर बात की जाए इनमें जो इनकी डेवलपमेंट होगी वो कैसी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट होगी तो उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी जिसमें आपका मेनली शो होता है टोर्नोरिया लार्वा। ये आपका लार्वा इनमें शो किया जाता है। तो ये कुछ इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे और ये आपका सारा इसी के साथ हेमिकोर्डेट्स वाला फाइलम कंप्लीट होता है। हैबिटेट की बात करी जाए तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, टीओफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ये आपके इनवर्टिब्रेट के तीन ऐसे फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इनके कुछ फीचर्स जो आपके हैं वो पिछले फाइलम यानी कि जो आपके इकाइनोडर्मेटा था उससे ही रिजेंबल करते हैं। तो इसी तरह से जो आपका ये हेमिकोडेटा वाला फाइलम है ये इनको हेमिकोडेटा वाला फाइलम इकाइनोडर्मेटा से भी जुड़ा हुआ है और फिर बाद में आपके कोडेट से भी जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ आपका ये फाइलम कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।